हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एच यू पाठशाला। डेली डोज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो अगेन अगेन रिपीट होते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में जनरल साइंस का 8 to 12 क्वेश्चंस का वेटेज ईच ईयर रहता है, राइट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर ऑफ बोन्स, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आपको जनरल साइंस की मैराथन क्लास चाहिए? इफ़ येस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज से दिस वीडियो। नंबर ऑफ बोन्स, देखिए आपके टोटल जो है बोन्स का नंबर ह्यूमन बॉडी में 206 होती हैं। 206 हड्डियाँ होती हैं मानव में एडल्ट में। अगर हम वहीं चिल्ड्रन की बात करें तो इनमें टोटल 300 हड्डियाँ होती हैं। नंबर ऑफ मसल्स, मानव में मांसपेशियों की संख्या 639 होती हैं। नंबर ऑफ किडनीज, ह्यूमन बींग में मानव में टोटल 2 किडनी होती हैं। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, आपको पता है ह्यूमन बींग में उनकी पूरी लाइफ टाइम में 2 बार दांत ग्रो होते हैं। अर्ली स्टेजेस में जो होते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, फिर आपका मिल्क टीथ ब्रेक होता है, उसके बाद फिर एक टीथ ग्रो होता है। नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20 होते हैं। नंबर ऑफ रिब्स, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, यानी कि 12 पेयर में। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, मानव में जो आपके 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, याद रखना है। लार्जेस्ट आर्टरी, देखिए आपको पता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं आपकी आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। इसमें आपका लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है? ऑर्टा। ऑर्टा क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को, हर्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर है उससे बॉडी के अदर पार्ट्स में ब्लड को फ्लो कराता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है ऑर्टा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ह्यूमन बींग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब 7.4 है अगर ब्लड का पीएच वैल्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये स्लाइटली बेसिक है या स्लाइटली एसिडिक है, बिकॉज आपको पता है स्केल पर आपका 40 नंबर तक होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है। अब 7 के इधर क्या है और 7 के इधर क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन स्पाइन, देखिए स्पाइन में आपके जो वर्टेब्रे है, इसका वर्टेब्रे को हिंदी में बोलते हैं कशेरुक, इसमें जो आपके टोटल नंबर है 33 वर्टेब्रे होते हैं। कैसे होते हैं? इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। अब देखिए स्टार्टिंग में आपका होता है सर्विकल स्पाइन, ठीक है, इसमें आपके टोटल होते हैं 7। फिर आपका थोरेसिक होता है, थोरेसिक में 12 हो गए आपके। फिर आपका लंबर, यहाँ पे लंबर पार्ट, इसमें आपके 5 होते हैं। फिर आपका यहाँ नीचे आता है सैक्रम आपका 5, और यहाँ लास्ट में इस तरीके से ऐसे निकला हुआ होता है, इसे हम कॉसक्स बोलते हैं, ये आपके 4 होते हैं। जब आप इसे ऐड करोगे, सर्विकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉसिक 4, जब आप इसे काउंट करोगे टोटल आपके 33 आएंगे, राइट। नंबर ऑफ व्हाटएवर इन द नेक, नेक में, नो नेक वही आपका सर्विकल वाला हो गया, तो सर्विकल वाले कितने हैं आपके? मैंने आपको बताया 7। नंबर ऑफ बोन्स इन द मिडल ईयर, देखिए आपके मिडल ईयर की बात कर रहा है, कान में, तो कान में आपके टोटल 6 बोन्स होती हैं, टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। मैं यहाँ पे आपको हड्डियों की बात की जा रही है, आपको बताऊँ जो आपका स्केल्टन सिस्टम होता है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारी बॉडी में, एक आपका होता है एक्जियल और एक आपका होता है अपेंडिकुलर, राइट, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। इसमें क्या डिफरेंस आपका है? तो देखिए एक जो होता है वो आपको सेप प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट, और एक जो होता है वो आपको स्टैंड करने में, आपको एक आपके जो है मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्जियल की, तो एक्जियल जो आपके स्केल्टन होते हैं ये टोटल 80 होते हैं। इसमें आपका आ गया स्कल, आपका जो फेसियल बोन्स हैं, आपके ईयर की जो बोन है, ठीक है, ये आपकी, फिर आपकी जो रिब्स हैं ये एक्जियल में आ गए। और अगर हम बात करें अपेंडिकुलर की, तो अपेंडिकुलर आपके टोटल 126 होते हैं। इसमें आपका आया शोल्डर गर्डल, ठीक है, शोल्डर गर्डल देखिए आपको ध्यान अगर आ रहा है आपको डायग्राम थोड़ा सा भी लेक्चर का, ये शोल्डर गर्डल आपका होता है, शोल्डर गर्डल। फिर आपके होते हैं अपर लिम्स, देन आपका लोअर लिम्स, और फिर आपका पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल, पेल्विक गर्डल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, इनकी जो आपकी बोन्स है इनको हम अपेंडिकुलर कहते हैं, और ये टोटल 126 होती हैं। 126 एंड
80 को आप जब ऐड करते हो टोटल आपके कितने होते हैं, 206 हड्डियाँ ह्यूमन बींग में होती हैं। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। लेक्चर में कवर किया गया है, क्वेश्चन वीडियो में भी कवर किया गया है, ऐप पर अपलोड है, उसको वॉच कीजिए गाइस, बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, फेसियल बोन आपके टोटल 14 होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल, स्कल में आपके टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट, टोटल आपकी 25 होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स 6। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन आर्म, नंबर ऑफ सॉरी मसल्स, मसल्स मांसपेशियां आर्म में कितनी होती हैं, 72 होती हैं। नंबर ऑफ पम्प्स इन हार्ट, हार्ट में कितने पम्प्स होते हैं, 2, ठीक है ध्यान रखना है। लार्जेस्ट ऑर्गेन, लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन सा है, स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड, अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, लीवर। बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, फीमेल ओवम। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है, मेल स्पर्म, जो होता है मेल का स्पर्म। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिज, और ये कहाँ पर होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है, ईयर में प्रेजेंट होता है सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की बात की जा रही है, वो है आपका हार्ट, दिल। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन, आपको पता है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, याद आ रहा है कुछ। स्मॉल इंटेस्टिन का जो एवरेज लेंथ हम बता रहे हैं वो है 7 mm। एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टिन 1.5 mm। वैसे स्मॉल इंटेस्टिन का स्ट्रक्चर याद आ रहा है, इस तरीके से होता है आपका पूरा ऐसे ऐसे, ध्यान है, और इसके ऊपर यहाँ पे होता है आपका ऐसे करके लार्ज इंटेस्टिन, ध्यान आ रहा है कि नहीं। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका एवरेज वेट यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि 2.6 kg ही होगा ऑलवेज, एवरेज 2.6 kg। पल्स रेट इन 1 मिनट, एक मिनट में पल्स रेट पूछी जा रही है 72 टाइम्स। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, सेंटीग्रेड में बात की जा रही है, अगर फॉरेनहाइट में बात की जा रही है तो 98.4। एवरेज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, एवरेज 4 to 5 liter, ध्यान रखना है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, सॉरी रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, आपको ध्यान देना है। और ये इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है, अगेन अगेन रिपीट होता है, स्प्लीन प्लीहा, ठीक है यहाँ पर इसकी डेथ होती है, स्प्लीन प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 13 to 20 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी जो होता है ये मरने के लिए कहीं नहीं जाता, ये ब्लड में ही मर जाता है, मतलब जहाँ है वहीं मर जाता है। प्रेगनेंसी पीरियड जो होती है ह्यूमन बॉडी की, वो आपकी टोटल 40 week की होती है, ठीक है, बिकॉज देखिए अदर अदर एनिमल्स की जो प्रेगनेंसी पीरियड होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। ह्यूमन बींग की यहाँ पे बात की जा रही है तो इनका 40 week का होता है, 280 days का होता है टोटल, यानी कि 9 months। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, ह्यूमन फुट में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 33 होती हैं, ध्यान रखना है। नंबर ऑफ बोन इन ईच रिस्ट, प्रत्येक कलाई में 8। वेल यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम कवर हो जा रहा है पूरा। नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड, हाथ में टोटल 27 हड्डियाँ होती हैं। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है आपका सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गेन कौन सा है, स्प्लीन प्लीहा, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में आपके पार्ट्स होते हैं उनमें आपका लार्जेस्ट पार्ट पूछा जा रहा है कौन सा है, सेरिब्रम, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फीमर, थाई, जांग की हड्डी होती है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान में प्रेजेंट होती है। स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटा जो मसल होता है वो होता है आपका स्पेडियस, ये आपके मिडिल ईयर में। तो देखिए कान में आपकी सबसे छोटी हड्डी भी होती है, सबसे छोटा मसल्स भी कान में ही है, स्पेडियस सबसे छोटा मसल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बींग में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी है, 46, यानी कि 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेल में क्या होता है कि टोटल आपके XX होते हैं और एक होता है जो आपका एक पेयर जो होता है उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और कर दूँ कि जो आपका जेंडर है उसके लिए किसका क्रोमोसोम्स जिम्मेदार होता है, मेल का या फीमेल का, तो मेल का जिम्मेदार होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी में टोटल आपके 306 हड्डियाँ होती हैं। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड 4.5 to 5.5। यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड रिपीट होता है अगेन एंड अगेन,
यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब कि ये सबसे ब्लड को ले सकता है और ओ सबको ब्लड दे सकता है। लार्जेस्ट डब्ल्यू बी सी, आपको पता है डब्ल्यू बी सी की कई टाइप्स होते हैं। सबसे बड़ा डब्ल्यू बी सी कौन सा होता है? मोनोसाइट्स होता है। स्मॉल डब्ल्यू बी सी, सबसे छोटा डब्ल्यू बी सी कौन सा है? लिम्फोसाइट्स है। इंक्रीज आर बी सी काउंट कार्ड, अगर आर बी सी की संख्या ब्लड में बढ़ रही है, रेड ब्लड सेल की, उसे क्या कहेंगे? पॉलिस्थेमिया कहेंगे, पॉलिस्थेमिया। ब्लड बैंक इन द बॉडी इज, ब्लड बैंक इन द बॉडी इज, मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल इज, नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड, देखिए आपको मैंने आर बी सी ब्लड चैप्टर में बताया है, आर बी सी में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और डब्ल्यू बी सी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इवन काफ़ी लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल कौन सा हो गया? आर बी सी हो गया। आर बी सी प्रोड्यूस इन द, आर बी सी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रिवर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, जीवन की नदी किसे कहा जाता है? ब्लड को कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड में जो है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होना चाहिए आपका? 250 mg, ठीक है। फ्लूड पार्ट ऑफ बॉड ब्लड इज कॉल्ड, रक्त का जो है फ्लूड पार्ट कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। मैंने आपको कई बार बताया है आपके ब्लड में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं और रेड और ब्लड कॉर्पसल्स, इसमें आपका आर बी सी और डब्ल्यू बी सी आ गया। इसमें आपका जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड के लिक्विड फॉर्म के लिए जिम्मेदार होता है, बिकॉज यही फ्लूड पार्ट है ब्लड का। प्लाज्मा जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं वो सारे प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होते हैं, राइट। सो वेल, ये था आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक। और हाँ, मैं अगेन आपसे आस्क कर रही हूँ, अगर आपको जनरल साइंस का मैराथन क्लास चाहिए देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड येस, टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो गाइज, बिकॉज लास्ट टाइम कोई मिस्टेक नहीं करनी है, सब कुछ बेहतर हुआ है और लास्ट भी हमें बेहतर करना है, बेहतर रैंक लाना है। ओके, बाय बाय।